नंबर आपका बहुत सूरत है, चार नंबर है क्लास 9th में समस्थानिक। अच्छा आप बताइए, हाइड्रोजन क्या है? एक तत्व है। क्लोरीन भी क्या है? तत्व है। तो कहोगे सुनो, अतत्व तो किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु से। पहले समझो, तत्व तो किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणु से। परमाणु किससे मिलकर बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। तो कहोगे नो, किसी तत्व के वे परमाणु, किसी तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं, तो उसे समस्थानिक कहते हैं। किसी तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान होते हैं लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं। लेकिन किसी तत्व का जरूर कहना, तो जैसे आपको अभी मैं उदाहरण से बताऊँ, सुनो ध्यान से सब लोग। मान लो कि उदाहरण से अगर हम बताएं आपको, प्रतिष्ठा मान लो हाइड्रोजन आपने लिख दिया, क्या लिख दिया बाबू? हाइड्रोजन एक तत्व है, इसके तीन समस्थानिक होते हैं, एक होता है 1H1, एक होता है 1H2, एक होता है 1H3। हो गया ना? देखो नीचे वाला सब परमाणु क्रमांक है बाबू, सब लोग देखो नीचे वाला क्या है? परमाणु क्रमांक है। नीचे वाला क्या है? तीन आपने परमाणु लिखा है, हाइड्रोजन एक तत्व है और हाइड्रोजन का आपने तीन परमाणु लिखा है, 1H1, 1H2, 1H3। सबका परमाणु क्रमांक सेम है, देखो एक इसका भी, एक इसका भी, एक इसका भी, लेकिन परमाणु भार सबका अलग अलग है। इसको इसको हम लोग पढ़ते हैं प्रोटियम। क्या पढ़ते हैं? प्रोटियम। एक है इसलिए, ये दो है तो इसीलिए इसको ड्यूटेरियम पढ़ते हैं, और तीन है तो इसके लिए ट्राइटियम पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा नाम भी लिख देता है प्रोटियम, इसके लिए प्रोटियम लिखते हैं, इसके लिए ड्यूटेरियम लिखते हैं, ड्यूटेरियम, ठीक है, और इसके लिए ट्राइटियम लिखते हैं, ट्राइटियम लिखते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे क्या कहेंगे कि किसी तत्व के, देखो हाइड्रोजन एक तत्व है बाबू, हाइड्रोजन क्या है? तत्व। किसी तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं, उसको समस्थानिक कहते हैं। तो लिख लो, देखो बाबू सब लोग, किसी तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार, इसी को द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं बाबू, लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो उसे समस्थानिक कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं बाबू? समस्थानिक कहते हैं। सबको याद हो चुका होगा समस्थानिक। आप उदाहरण में देख रहे हैं 1H1, यहाँ पर देखो परमाणु क्रमांक एक इसका भी है, परमाणु क्रमांक इसका भी एक है, परमाणु क्रमांक इसका भी एक है, लेकिन परमाणु भार का है अलग अलग है, इसका एक है, इसका दो है, इसका तीन है, इसलिए हम इसको समस्थानिक कह रहे हैं। तो सबको समस्थानिक याद होगा। एक और आपका होता है बाबू क्लोरीन तत्व का नाम सुने होंगे, ये पहला उदाहरण था, दूसरा था क्लोरीन Cl, इसका होता है 17 क्लोरीन 35, कमा करके 17 क्लोरीन 37, ये भी होता है आपका, सबको याद होना चाहिए, सबको याद होना चाहिए 17 क्लोरीन 35 17 क्लोरीन 37, इसके बारे में भी बता सकते हैं, ठीक है। तो दोनों का देखिए, इसका भी परमाणु क्रमांक, इसका भी परमाणु क्रमांक, दोनों का परमाणु क्रमांक है सेम है लेकिन परमाणु भार अलग अलग है, इसलिए हम इसको समस्थानिक कह रहे हैं। तो समस्थानिक में परमाणु क्रमांक सेम होते हैं लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं समस्थानिक। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।